कांग्रेसियों ने बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने का ऐलान करते हुए बीजेपी सरकार को भ्रष्टाचारी और किसान विरोधी बताया। कांग्रेसियों ने ऐलान किया है कि पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के निर्देशानुसार 5 से 15 तक सभी कांग्रेसी जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को जानेंगे और उनके निस्तारण के लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। साथ ही 15 तारीख को विशाल धरना प्रदर्शन करने का भी ऐलान कांग्रेसियों ने किया। बांदा के कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने भाजपा सरकार द्वारा किए जा रहे भ्रष्टाचार की बात बताते हुए हल्ला बोल का आगाज किया। कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेश दीक्षित ने कहा कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से गरीब किसान व युवा दर दर भटक रहे हैं और अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। भाजपा सरकार में विकास पूरी तरह से ठप हो गया, केवल जनता को लूटने का काम किया जा रहा है। चाहे सब्जी की महंगाई हो या बिजली का बिल या तो फिर GST, हर तरह से भाजपा सरकार लूटने का काम कर रही है, जिसको लेकर कांग्रेस पूरे प्रदेश में 5 तारीख से लेकर 15 तारीख तक लोगों की समस्याएं सुनेंगे और 15 तारीख को एक विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें भाजपा सरकार की कुरीतियों को उजागर किया जाएगा। वहीं पार्टी कार्यालय में मौजूद कांग्रेस के पूर्व जिला अध्यक्ष शाकिर बिहारी मिश्रा ने भाजपा सरकार पर वार करते हुए कहा है कि भाजपा ने गाय के नाम पर ठगी करने का काम किया। गाय सड़कों पर मर रही हैं, दर दर भटकती नजर आ रही हैं और वहीं योगी सरकार व्यवस्था के नाम पर जनता का पैसा लूट रही है, जिसे अब जनता जड़ से उखाड़ फेंकेगी। ये हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा देश की बिगड़ती और व्यवस्था को लेकर के बहुत चिंतित, उन्होंने ये निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष जी को हमारे 5 से 15 तक इस सरकार के खिलाफ, आर्थिक रूप के खिलाफ सड़क पर उतरिए और जनता की समस्याओं से अवगत कराए। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ी हुई है, सरकार की नीतियों से युवा हताश है, किसानों पर अत्याचार हो रहे हैं, किसान कर्ज से लदा जा रहा है, किसान इससे आत्महत्या कर रहा है, जबरदस्ती उनसे वसूली की जा रही है, अर्थव्यवस्था बिल्कुल ढलाम हो चुकी है, जिससे दुकानदार छोटे छोटे सदमे में आ गए हैं और GST लगा देने से व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो गए हैं। आज इसी में हम सब लोगों की यहाँ पर एक बैठक हुई है और बैठक में हमारे सभी DC सदस्य हैं, वहाँ हमारे युवा अध्यक्ष भी हैं, महिला अध्यक्ष भी हैं। हम सब लोगों को कार्यक्रम आया 5 से 15 तारीख तक का, इसके क्रियान्वयन के लिए हम लोग ने योजना बनाई है। 5, 6 और 7 तारीख को हम लोग ये पर्चे हैं, ये पर्चे सरकार के खिलाफ, आर्थिक के खिलाफ जो ये पर्चे वितरण है। 7 और 9 तारीख को नुक्कड़ सभाएं शहर ब्लॉक में होंगी, जो समस्याएं लोगों की जानेंगे। 10 तारीख को हम लोग बेरोजगारी के खिलाफ बाजार में बर्तन बाजार के लिए निकलेंगे। 11, 12 तारीख को अन्नदाता किसान चौपाल लगाएंगे, जो किसानों की समस्याएं हैं उनकी समस्याओं को समझेंगे, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता पहुँचेंगे, केंद्र सबको भूमिका दी गई है। 14 तारीख को जवाहरलाल नेहरू जयंती मनाई जाएगी और 15 तारीख तक को सभी समस्याओं को लेकर के जो अन्नदाताओं की समस्याएं, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारों की समस्याएं और व्यापारियों की समस्याएं को लेकर के धरना प्रदर्शन होगा और विकास दिया।